स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। हम आज की वीडियो कुछ इस तरह दिखाएंगे कि कैसे हम मूर्ति का आविष्कार किया जाता है और कैसे उनमें पेंट वगैरह की जाती है और लोग कब से इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। तो आइए, हम आ चुके हैं सुनरसा गांव में, जो कि यहाँ पे काफ़ी अधिक लोग हैं जो कि मिट्टी का कारोबार करते हैं। तो हम आज कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो कि मिट्टी से संबंधित होगी। तो हम आ चुके हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे कैसे और किस तरह से पेंट वगैरह कर चुके हैं, और हम उनसे ही पूछना चाहेंगे जो इसमें पेंट कर रहे हैं। तो हेलो सर, नमस्कार जी। सर बताइए कैसे, क्या आप कर रहे हैं यहाँ पर? सर अभी पेंट चल रही है डिस्टेंपर वाले, यहाँ पर कलर चढ़ाए जाते हैं। ये कलर वगैरह कहाँ पे मिलते हैं? ये कलर सर कानपुर हटिया में मिलते हैं। और इनकी बनाने की विधि कुछ बताएंगे सर आप? सर ये माल तो काफ़ी 5-6 महीने पहले बन जाता है, अभी 15 दिन से रंगाई स्टार्ट है। अच्छा, तो इनका बनाने का कुछ तो सोल होगा कि कैसे बनाते हैं आप? सर हम अभी बनाने के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, पर रंगने के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। तो आप कलर वगैरह कैसे बना सकते हो, क्योंकि हमने सुना है कि आप काफ़ी कड़कदार कलर लाते हैं, उनको फोर फार के तब बनाते हैं। तो क्या है ये सब, सही है या गलत है? कलर वास्तविक में घुले नहीं आते हैं, क्या सही है ये? नहीं सर, कलर घुरे हुए आते हैं, पेंट भी आती है और हम उसे मिलाकर कलर बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इनकी बॉडी में कलर चढ़ा रहे हैं, और हम आपको अभी देखिए रंगी मूर्ति को दिखाते हैं। ये जो हमारे यहाँ पर ये मूर्ति तैयार रखी है, ये देखिए, ये देखिए पैकिंग पे मूर्ति रखी हुई है, और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारे यहाँ पर माल तैयार हुआ रखता है। और आइए यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए यहाँ पर माल तैयार पन्नी लगा हुआ रखा है। अब इसे पेपर में लपेट कर रख दिया जाएगा। और इससे भी कुछ मतलब बड़ा साइज होगा, मिनिमम साइज होगा, क्या रेट वगैरह आप बताएंगे इनके क्या रेट हैं? क्या अगर कोई थोक लेना चाहता है उसके रेट क्या हैं, और कोई अगर? ये देखिए सर, बड़ा माल भी है, छोटा भी है, और उधर भी माल लगा हुआ है। ये और... देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे तो काफ़ी अंधेला है, हम ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकते। हाँ ये ज़रूर है कि ये देखिए इन लोगों के काफ़ी सामान रखे हैं कमरे में। ये देखिए किस तरह से, क्या है सर ये, कच्चा भी आप रखे हैं, अभी पकाया नहीं क्या? नहीं सर, अभी वो पकेगा, कुछ दिन बाद पकेगा सर। अच्छा, तो आइए हम और भी कुछ देखना चाहेंगे। हाँ ये देखिए, ये देखिए पेंट वगैरह रखी है इनके पास। तो ये सर कौन सा कलर है, क्या कर रहे हैं आप? ये सर प्लास्टिक पेंट है, इसमें हम कलर डार करके इनकी मतलब बॉडी कलर चढ़ा रहे हैं जी। तो क्या आप इसके उचित रेट भी बता सकते हैं सर? सर इसका उचित रेट है 30 से 35 रुपये थोक का जी। अच्छा, और आप इससे भी कुछ मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं क्या? अब सर जो माल ज़्यादा लेता है उसके लिए सही रेट लग जाते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत जो लेता है गत्ते खान तो उसके लिए यही रेट लगता है। अच्छा, तो मतलब आप कब से, लगभग कब से पेंट ये ख़त्म कर दोगे? ये सर दीपावली के 15 दिन पहले तक चलता है। अच्छा, उसके बाद आप बेचना प्रारंभ कर देते हो? जी जी सर। तो आप गांव-गांव जाकर बेचते हो या यहीं से माल उठाया जाता है आपका? नहीं सर, यहाँ दामोदर नगर और इधर इटावा साइड के व्यापारी आते हैं जी, वही यहाँ से थोक माल ले जाते हैं। अच्छा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। अच्छा,
तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? हमने आपका वीडियो लिया सर, अच्छा लग रहा है। और सब सभी लोग अच्छे हैं? ठीक। अभी तो हम यहाँ पर अकेले रंग रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं पेंट करने के लिए। अच्छा। हम लेबर भी रखते हैं पेंट करने के लिए। अच्छा। जो कि 8 से 10 हज़ार रुपये महीने पगार लेते हैं। अच्छा, तो लेबर तो अपने टाइम ही आता होगा? जी सर, वो 8 बजे आएंगे। अच्छा हाँ, तो अभी तो टाइम 6:30 भी नहीं बजा है, लेबर कहाँ से आ जाएगा? और सभी लोग घर पे? सब अच्छे हैं सर। नमस्कार सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग।